instant moong dal dosa is one of my favorite dish. It requires no fermentation, just couple of hours of soaking time, and they are good to make. Let's see how to make these dosas today. तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी या एक कप येलो मूंग दाल ली है. इसको मैं एक बड़े बाउल में डाल के एक बार अच्छे से धो लूँगी. ये देखिए दाल अच्छे से धुल गई है. इसको हम इनफ वाटर में भिगो के आप 3 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे. 3 से 5 घंटे का टाइम मूंग दाल भिगोने के लिए काफ़ी है. इसको ढक के अब छोड़ देंगे और हम 3 से 5 घंटे के बाद इसको ग्राइंड करेंगे. ये दाल हमारी पिछले 3-4 घंटे से भीगी हुई थी, ये अच्छे से फूल गई है. ये देखिए अब इसको हम ग्राइंड करेंगे. इसका ये जो पानी है ये मैं ड्रेन कर दूंगी, हटा दूंगी. यहाँ पे मैं एक मिक्सी जार ले रही हूँ, ये दाल मैं इसमें डाल दूंगी. सारी दाल मैंने डाल दी है. अब मैं इसमें डालूंगी एक हरी मिर्च, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का और थोड़ा सा जीरा, क्यूमिन सीड्स. इन सबको मैं ब्लेंड कर लूंगी. पहले मैं पानी का यूज नहीं करूंगी, धीरे धीरे एक एक चम्मच पानी डाल के हम इसको एक स्मूथ बैटर इसका बना लेंगे. तो ये देखिए बैटर बहुत ही स्मूथ हो चुका है पिसने के बाद. मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी. लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच करके ही पानी डालिए. ये बैटर मैं एक अलग से बाउल में निकाल रही हूँ. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस डोसा इज कि इसको फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये इंस्टेंट है, आप तुरंत बना सकते हैं. बस जो मूंग दाल को सोकिंग टाइम लगा बस उतना ही, उसके बाद आप ये बैटर तुरंत यूज़ कर सकते हैं आप डोसा बनाने के लिए. ये थोड़ा सा जो लगा हुआ है इसमें मैं पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लूंगी. इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पोरेबल होनी चाहिए ताकि ये तवे पे आराम से स्प्रेड हो जाए. अगर ये थिक बैटर है तो ये आराम से तवे पे स्प्रेड नहीं होगा. ये देखिए दिस इज जस्ट परफेक्ट. अब चलिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देते हैं. इसमें मैंने कुछ लिया है यहाँ पे कड़ी पत्ता, उसको फाइनली यूं हाथों से तोड़ लिया है इस तरीके से. करीब 6-7 करी लीव्स मैंने इस तरीके से तोड़ ली हैं, छोटी छोटी हाथों से ही. करी लीव्स के बहुत सारे फायदे होते हैं. करी लीव्स को आप कैसे स्टोर कर सकते हैं और उसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं ये मैंने 2 सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और यहाँ पे मैंने लिया है फ्लैक्स सीड का पाउडर, अलसी का पाउडर. ये बहुत लाभदायक होता है. इसके भी हेल्थ बेनिफिट्स मैंने सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अगर आपने अभी अभी अलसी खाना शुरू किया है तो आप धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी अपने डाइट में बढ़ाइए. यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच अलसी के लिए हैं और कड़ी पत्ता ये मैं इसमें डाल दूंगी. करी लीव्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा आयरन एंड फोलेट इन योर डाइट. और अलसी हमें देता है ओमेगा 3 फैट्स, इसलिए इन दोनों को जरूर खाना चाहिए. साथ ही साथ इसमें जाएगा नमक, बस और किसी चीज की जरूरत नहीं है. अगर आप चाहें तो इसको वेजिटेबल डोसा भी बना सकते हैं. उसके लिए आप अपनी मनपसंद की सब्जियां इसमें डालिए. कद्दूकस की हुई गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ पालक, ये देखिए दिस बैटर इज रेडी टू मेक डोसास. अगर अलसी डालने के बाद आपकी गांठियां पड़ रही हैं बैटर में तो उन्हें हाथ से मसल के स्मूथ कर लीजिए, क्योंकि बैटर जैसे कि मैंने कहा स्मूथ ही होना चाहिए. ये देखिए ये अलसी है. इसमें जनरली गांठें पड़ जाती हैं जब आप इसको बैटर में मिक्स करते हैं, तो इसको यूं अच्छे से मिला लीजिए, वरना ये जब आप तवे पे स्प्रेड करेंगे तो ये ठीक से होगा नहीं.
जिस तरफ ये मोटे मोटे लम्स हैं अलसी के, वो एक मोटा सा ढेर बन जाएगा आपके तवे के ऊपर। तो बैटर आपका इवनली स्प्रेड नहीं होगा और कहीं से मोटा और कहीं से पतला रह जाएगा। ये देखिए अब बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, अच्छे से मिल गई हैं सब चीज़ें। अब चलिए इनके डोसास बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। आप इस बैटर से तुरंत डोसे बना सकते हैं, वरना अगर आपके पास टाइम है तो इस बैटर को 10 मिनट रेस्ट करवा लीजिए। 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। नहीं भी रेस्टिंग टाइम दिया तो भी इट इज़ परफेक्ट, दिस कैन बी कुक्ड इंस्टेंटली। यहाँ तवा हमारा गर्म हो चुका है, इस पे मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल। ध्यान दीजिएगा कि तवा आपका बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, अगर तवा बहुत गर्म है तो भी आपका जो बैटर है वो चिपकेगा और आप उसको स्प्रेड नहीं कर पाएंगे तवे पे। एक टिश्यू पेपर लेके मैंने इसको वाइप कर दिया है। जब मैं बैटर इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी तो आंच मैंने एकदम लो कर दी है। और नाउ पोर अ लैडल और टू फुल ऑफ बैटर एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द तवा। ध्यान दीजिए कहीं अगर ज्यादा बैटर आपका रह गया हो तो उसको स्प्रेड आउट करके इवन आउट कर लीजिए, हर तरफ से सेम थिकनेस रहे ताकि इसकी। इसको मैंने अच्छे से स्प्रेड करके पतला कर दिया है, इवनली स्प्रेड हो चुका है। अब इसको पकने देते हैं, आँच हम एकदम हाई कर देंगे। जब ये नीचे से सिक जाएगा, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लग जाएगा, तभी हम इसको पलटेंगे, बार बार नहीं पलटेंगे। बीच बीच में इसे चेक करते रहिए, अगर ये नहीं उतर रहा है दैट मीन्स कि ये नीचे से अभी पूरे तरीके से नहीं पका है। जब ये नीचे से पूरे तरीके से पक जाता है तो ये अपने आप तवे के साइड्स छोड़ देता है और हम इसको आसानी से पलट पाते हैं। ये देखिए हम इसको तभी पलटेंगे जब ये नीचे से अच्छे से सिक जाएगा। ये नीचे से अच्छे से ब्राउन हो गया है, अब मैं ऊपर वाले साइड पे भी थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करूंगी, ज़्यादा नहीं। और अब इसको पलट देते हैं। ये देखिए नीचे वाला साइड अच्छे से पक चुका था, अच्छे से इसमें गोल्डन कलर आ गया है। नीचे से भी इसको यूं दबा दबा के पका लेंगे। इसको पलट के देखते हैं, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से गोल्डन स्पॉट्स आ गए हैं। दैट मीन्स दिस इज डन। और अब हम इसको उतार लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी के डोसे भी बना लेंगे। अगर आपका तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो या तो उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल करके आप एक कपड़े से वाइप करके तब दूसरा डोसा डालिए, या फिर गैस बंद करके एक आध मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर डोसा बनाना शुरू कीजिए। ये देखिए डोसे बन के रेडी हो गए हैं, इन्हें आप सर्व कीजिए सांबर के साथ या अपने मनपसंद की चटनी के साथ। मैंने यहाँ पे कोकोनट चटनी और धनिया पुदीने की चटनी के साथ इनको सर्व किया है। So enjoy this yummy and nutritious meal, whether it is your breakfast time or lunch time or dinner time, this will just go perfect with every meal. Thank you so much for watching and I'll see you in my next one soon. Bye bye.